58 सीट। रण बहुत ज्यादा भीषण। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वो बड़ी खबर आ रही है जहां पर देश में 1 बजे तक 39.13% वोटिंग हुई है। इसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 54.80% वोटिंग हुई है। दिल्ली में सबसे कम 34.37% वोट पड़े हैं। इसके साथ ही साथ आगे बात करें बिहार की, तो बिहार में अब तक 36.48% मतदान हुआ है। हरियाणा में 1 बजे तक 36.48% वोट पड़े, तो वहीं जम्मू कश्मीर में दोपहर 1 बजे तक 35.22% वोट पड़े हैं। झारखंड की बात करें, झारखंड में दोपहर में 1 बजे तक 42.54% वोट पड़े। ओडिशा में 1 बजे तक 35.69% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में 1 बजे तक 37.23% वोटिंग हुई है। देश में 1 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने है। और इन्हीं में पश्चिम बंगाल एक बार फिर से सबसे ज्यादा और दिल्ली में सबसे कम वोट अब तक पड़े हैं। और बिहार में अब तक 36.48% मतदान हुआ है। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की है। उंगली पर वोटर्स का वोटिंग का निशान लगवाकर वोट डाला और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, अभी हाल ही में सीएम बने और एक बड़ी अग्नि परीक्षा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता दिलानी। तो ऐसे में आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की भी, तो चूंकि ये देश भर में 1 बजे तक का आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं जो 39.39% है, और अलग अलग जगह की तस्वीरों के जरिए भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से वोटिंग जारी। तो जहां पर सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने होती है, उन अधिकारियों के सामने होती है जो इस पूरे वोटिंग प्रोसेस को कराते हैं, फिर वो चाहे पीठासीन अधिकारी हो या फिर मतदान कराने वाला कोई भी कर्मचारी। एक बड़ी जिम्मेदारी, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ उनसे भी बड़ी जिम्मेदारी वोटर्स की कि कम से कम घर से निकलिए, आप धूप मत देखिए, सर्दी का मौसम मत देखिए, गर्मी मत देखिए, पानी मत देखिए। जब जब वोटिंग हो और आपका वोट है तो उसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही, जहां पर कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया है। बूथ पर बैठे व्यक्ति पर बुजुर्ग महिला ने कुरुक्षेत्र में आरोप लगाया है। आरोप है जबरन वोट डलवाने का। जी हां, महिला ने आरोप लगाया कि जबरन वोट डलवाया गया। प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने आरोपों को हालांकि निराधार बता दिया है। ऑफिसर का कहना, अकेले ही वोटिंग करने आई थी महिला, तो बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, कहा है कि दरअसल बूथ पर बैठे व्यक्ति ने वोट जो है वो डलवा दिया अपने मन से जबरदस्ती। हालांकि ऑफिसर का कहना है, जिस अधिकारी की ड्यूटी है, कि दरअसल महिला जो है, जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि आरोप गलत है, अकेले ही वोट करने आई थी महिला। मेरा उसमें कमल के फूल पर उन्होंने बटन दबा दिया। किसने दबाया जी? वो बराबर में बैठा तो सबसे पहले क्या हुआ वहां पर? कुछ नहीं होया, भाई उन्होंने बटन दबा दिया, मैंने रोड़ा कर दिया, भाई मैं अपनी मर्जी से गिर दी, तनिक भी बटन दबाया। आपने किसको वोट देनी थी? मैंने जाट वाले की, अपनी मर्जी तो मैं कितने दब गए रूम में, वोट दबाना था मैंने बटन, इसने क्यों दबाया? मैंने कहा इकट्ठे हो गए सारे उड़े कमरे में भी, फिर बाहर कुर्सी पर बरेंडे में बैठा दी, पानी लाओ माता जी खातर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, असल में वो बुजुर्ग महिला थी और उनका कोई साथ नहीं था उनके, और
क्योंकि जो पोलिंग ऑफिसर थर्ड है उसको बैलेट इशू करना होता है बटन दबा के, उसके बाद जो इलेक्टर है वो आता है और कंपार्टमेंट में जाके अपना वोट कास्ट करता है। तो उसमें कुछ सेकंड लगती हैं बीप आने में, जो साउंड आती है बीप की। तो जब बुजुर्ग महिला अंदर चली गई, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, तो उसके बाद वो वहीं रुकी थोड़ी देर, और क्योंकि वो चलने में सक्षम नहीं थी ठीक से, तो हमारे जो साथी हैं वो उनकी हेल्प के लिए गए और तभी बीप हो गया। तो महिला को ये लगा कि सर के आने के बाद अब वो डला है, इन्होंने कुछ किया है। तो ये मामला था सर, वो उनको समझ नहीं आया, हमने उनको एक्सप्लेन भी किया, दिखाया भी जब दूसरे वोटर ने डाला कि इनको इधर से ये बटन प्रेस करना होता है तब बैलेट जो है वो इशू होता है। तो ये मामला था सर, बाद में हो गया था सॉल्यूशन। सर देखिए ये तो बिल्कुल पारदर्शी है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो आप सुन रहे थे रिप्रेजेंटिंग ऑफिसर को, जिनका कहना था कि दरअसल महिला अकेले आई थी। अजय कुमार संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, अजय चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय ये पूरा मामला क्या है, एक बार तफसील से बताइए। अजय मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? एक बार फिर से कोशिश करते हैं जुड़ने की। देखिए उसके पहले जो अपडेट्स खबर आप तक हम पहुंचा रहे थे वो कुरुक्षेत्र से थी। अजय मेरी आवाज आ रही है तो अपडेट बताइए मामले से जुड़े हुए, मामला क्या था आखिरकार और फिलहाल वोटिंग को लेकर क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली के अंदर वोटिंग लगातार सही तरीके से चल रही है, कुछ जगह सी, लेकिन जिसमें आपने अभी बताया कि हरियाणा का एक महिला का वोट जबरन डाला गया है, तो उसमें ये होता है कि जब वोटिंग होती है तो सुबह भी कुछ दिल्ली के अंदर ऐसी वोटिंग मशीन रहती है जहाँ ईवीएम थी कि बटन दबाने के बाद में करीब 5 से 6 सेकंड के बाद आवाज आती है तो लोग वेट करते हैं। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने उसका वेट ना किया हो, लगातार आवाज दे रही महिला बाहर निकली हो, तो जो साथ अंदर बैठे वॉलंटियर जो बैठे होते हो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में जो सीसीटीवी कैमरे लगे कि इस बार हर पोलिंग बूथ के अंदर जहाँ पे वोटिंग हो रही है वहाँ कैमरे लगे ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो जाए, सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तरह से लगाया। लेकिन बता दूं कि मैं इस वक्त तो राजेंद्र नगर विधानसभा में हूँ और यहाँ पर भी कुछ ऐसा था, लेकिन समय होता है क्योंकि तुरंत बटन दबाने के बाद में तो समय सही है कम से 2 सेकंड का, तो इसके बाद कभी होता है 10 सेकंड भी लग जाता है, तो ऐसे में कहीं गड़बड़ हो जाती है। लेकिन उनके जो अधिकारी पर बैठे होते हैं वो पूरी तरीके से उसकी सुरक्षा में रहते हैं और देखते हैं तत्पर की होगा क्या है। तो बताने की दिल्ली के अंदर भी ऐसी कुछ हुआ, लेकिन इस राजेंद्र विधानसभा में हूँ और लगातार जो लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, बिल्कुल आगे अगर संभव हो तो कुछ लोगों से बातचीत करके देखिए। ये भी बता दीजिए कि चूंकि अब 2 बजे के ऊपर का ही समय है तो वोटिंग को लेकर कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है, क्योंकि धूप इस वक्त तेज है, अब धीरे धीरे समय बढ़ेगा जैसे जैसे धूप कम होगी, तो क्या धूप जो है उसने बाधा बनने का काम किया है वोटिंग में? देखिए ऐसी गर्मी में जो लोग घर से निकल के आ रहे हैं, मेरे पीछे काफी लोग हैं भीड़ लगे, उन्हीं से बात कर रहे हैं क्योंकि गर्मी का समय सुबह से ही लगातार लोग घर से निकल रहे हैं वोट डाल रहे हैं, तो मेरे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने वोट डाला, मैं उन्हीं से बात करूंगा। सर जिस तरह से गर्मी हो रही है ऐसे में लोग आ रहे हैं, ये आपने सिंबल दिखाना है जो वोट डालकर आए हैं, तो देखिए सर क्या लगता है कि इस बार जो वोटिंग हुई है किस मुद्दे पर हुई, क्या इसी गर्मी में लोग घर से निकल रहे हैं? चलिए अजय आपसे थोड़ी देर बाद संपर्क करेंगे, तब तक दोबारा कोशिश करेंगे आपसे अपडेट लेने की, आपसे कॉन्टेक्ट करने की, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो हम तक पहुंच नहीं पा रही है। तो ये तमाम तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, एक तस्वीर ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की, अरविंद केजरीवाल की, वोट डालने पहुंचे, और ये 6 तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वोट डालने के लिए पहुंचे थे, दूसरी तस्वीर दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज की थी, और अब उसके बाद ये 10 तस्वीरें हरियाणा की, करनाल
सोनीपत, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 10 लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर है। और सिद्धार्थनगर में लोगों ने कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और इसके चलते उन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया। वहीं जब हमारे संवाददाता राकेश यादव ने उन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने वोट का बहिष्कार क्यों किया, इसका कारण बताया, सुनिएगा। विधानसभा क्षेत्र बासी के जोलेखौर गांव में, जो कि सुबह से मतदान शुरू हुआ 7 बजे से 6 घंटे लगभग बीत चुके हैं, अभी भी यहां एक भी मत नहीं पड़ा है। यहां कुछ मताधिकार के जो प्रयोग करने वाले हैं उन्हीं से हम बात करते हैं, क्या मामला है, इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है, अभी तक आप लोगों ने मतदान नहीं किया। ऐसा हमारे यहाँ जिगरिया से लेकर जाने को पटाने के लिए सड़क है, तो सड़क बहुत जर्जर अवस्था में लगभग 5-6 वर्षों से चल रही है, जिस पर व्यापक आंदोलन भी हुआ और क्षेत्र जवार के कई लोग जेल भी गए हैं, लगभग ऐसा काम रखा हम लोग, और 2 महीने तक रहे, उस पर कोई निराकरण नहीं हुआ। आग लग गई थी हमारे गांव में, पूरा गांव जल गया, भूसा नाम की, इसी को लेकर के हम लोग 18 अप्रैल से ही जो है इस बात की चेतावनी दिए थे कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। प्रशासन ने अभी तक उस पर कोई सुध नहीं लिया, तो दिवस होकर के उसका मतदान का बहिष्कार किया गया। कुछ युवा मतदाता भी हैं, उनसे बात करते हैं, क्या समस्या है, क्या समस्या है कि आप लोग जो है मतदान नहीं कर रहे हैं। यही सारी समस्याएं हैं जो भैया ने बताया है, और हमारे सिंहिया से लेके भैसठ का मार्ग 1 किलोमीटर की रास्ता जो है वह भी इसी तरह जर्जर है, आने जाने में बरसात में बहुत दिक्कत होती है। और क्यों नहीं मतदान, 6 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक क्यों नहीं किया गया। भैया एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जो हम सबके यहाँ है ना, केवल रोड की समस्या है, अगर मान लीजिए रात में भी किसी की भी तबीयत खराब हो जाए तो जिगनिहवा से लेकर जालेखोर तक कोई भी एम्बुलेंस आने के लिए तैयार होता नहीं है, ठीक है। इस रोड पे भैया कोई भी एम्बुलेंस आता नहीं है, तो अगर हमारा रोड नहीं बन रहा भैया तो हम किसके लिए वोटिंग करेंगे, किसमें वोटिंग करेंगे। हमारे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, आप बताएं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इतने देर हो गए अभी तक एक भी बस नहीं पड़ा। हमारे यहाँ सिंहिया से लेके भैंसठ तक का मार्ग वो भी खराब है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो क्या लोग मतदान अपना नहीं करेंगे। मतदान करेंगे लेकिन जो हमारा प्रशासन हम सुनेगा तो हम करेंगे, नहीं सुनेगा तो नहीं करेंगे। मतदान तो प्रशासन क्या दिक्कत है, प्रशासन कहाँ था अभी तक, प्रशासन अगर जो सो नहीं रहा होता तब तक तो रोड हमारा बन गया होता, क्या इतने साल से प्रशासन के बस में नहीं है रोड बनाना, या प्रशासन के फंड में पैसा नहीं आता, या रोड का पैसा नहीं आता, तो इसीलिए हम लोग समय मतदान नहीं करेंगे। इससे पहले क्या कोई भी नेता इस गांव में आया था कि यार देखने की, नेता कोई नहीं आया था, आज जब कोर्ट बहिष्कार जब हुआ तब यहाँ लोग नेता आया है। 18 अप्रैल को आग लगी थी, हम घट्टी भैसठ इधर पूरा का पूरा गांव जलकर खाक हो गया है, फसल जल गई है, सबके घर जल गए, लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी नेता कोई भी लोग अभी यहाँ तक आए नहीं है, माननीय विधायक जी, सांसद जी अभी तक कोई भी नहीं आया हुआ है यहाँ पर। क्या लगता है अगर सांसद विधायक आएंगे तो आप लोग वोटिंग करेंगे? भैया हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, हम वोटिंग करने के लिए तैयार है। क्या दिक्कत है, आखिर क्यों नहीं बता दे? सब दिक्कतें तो है भैया, सबसे पहले तो कोई मर जाए हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं सकता 2 घंटे में, आपको जाना है तो आप गठवा तो जिगनिहवा चले जाइए, पता चल जाएगा दिक्कत। दूसरी बात, हमारे यहाँ आग लग जाता कोई नहीं सुनता है, बाढ़ आ जाती कोई नहीं सुनता है, सब दिक्कत ही तो है, टूटा हुआ उसका कोई सुनवाई नहीं। ये थे यहाँ के मतदाता जो कि अपनी परेशानी बता रहे हैं कि बाढ़ क्षेत्र है, आग लगी थी, ना ही कोई नेता ना ही कोई प्रशासन यहाँ पहुंचा, और आज जब मतदान हो रहा है 6 घंटे बीत चुके हैं अभी तक एक भी मत नहीं पड़ा है, तो इनकी ये परेशानियां हैं। बाढ़ क्षेत्र था, बाढ़ में ना कोई इनके बचाव के लिए आया, ना ही इनके आग लगने पे यहाँ कोई नेता आया, ना कोई शासन आई, ना प्रशासन आई। राकेश यादव, इंडिया वॉइस। तो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, तस्वीर महेंद्र सिंह धोनी की है, जहां पर वो वोट करने पहुंचे रांची में। रांची में चूंकि उनका घर है और रांची लोकसभा सीट पर आज वोटिंग भी चल रही है, तो आज वो वोट करने पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर। तो जहां पर तमाम तस्वीरों के जरिए दिन भर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और
ये संदेश भी दे रहे हैं कि वोट करिए। और चलिए सीधा रुख करते हमारे खास मेहमानों का। इस वक्त हमारे साथ रतन तिवारी जुड़ गए, कांग्रेस की युवा आवाज हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रतन जी। हमारे साथ केसी जैन है, बीजेपी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है केसी जैन जी। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए प्रयागराज से शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए और अजय चौहान दिल्ली से जुड़ गए। सबसे पहले केसी जैन आपके पास आना चाहता हूँ। केसी जैन साहब, अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज रहा, हालांकि पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण के बाद कुछ कुछ बढ़ा है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा हो गया है, कुछ कुछ बढ़ा है। जहां आपकी सरकार नहीं है जैसे पश्चिम बंगाल, वहां पर वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा हो रहा है हर बार। दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है, सबसे कम वोट प्रतिशत हुआ, तो ये दो तरह का आंकड़ा हो गया। लेकिन फिलहाल इन आंकड़ों पर आप क्या कहेंगे? आपका शायद फोन म्यूट हो गया है केसी जैन साहब। हाँ, और फोन थोड़ा पास कर लीजिए, बोलिए। केसी जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ दोबारा से, एक बार अपनी टेक्निकल टीम को बोल रहा हूँ, तो आपसे दोबारा से वो कांटेक्ट करते हैं, कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। रतन भाई, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वोटिंग प्रतिशत, और चूंकि छठा चरण चल रहा है, अभी तक आपके हिसाब से कितनी सीटें हो गई हैं जो आपने कहा थी? हमने तो कई चैनलों पे कह दिया है और आपके भी चैनल पे कह रहा हूँ कि हमने 300 का आंकड़ा लगभग पार कर लिया है। अच्छा, अब जो ये अंतिम चरण का जो मतदान हो रहा है, हम उसमें 350 के आंकड़े को भी हम पार कर लेंगे। अच्छा, मतलब आज का चरण मिलाकर और जो अगला वाला आखिरी बचा है। जी जी, आखिरी चरण मिला के 350 सीट को पार कर लेंगे, क्योंकि देश का मिजाज इंडिया के साथ है, देश के मतदाता इंडिया के साथ खड़े हो गए हैं। हाँ। जो अंतिम दो चरणों तीन चरण जो बचे थे, हाँ, जो प्रधानमंत्री की भाषा थी, मंगलसूत्र, चिकन मटन मछली, भैंस, तालिबान, पाकिस्तान, उस भाषा से देश के मतदाता नाराज हुए और वो कहते हुए दिखाई दिए कि देश का प्रधानमंत्री अपने किए हुए कार्यों की बात नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से देश को गुमराह कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है, पूरा देश का मिजाज और देश की जनता, देश के मतदाता हमारे पक्ष में वोट कर रहे हैं। आप भी 400 पार जा रहे हैं क्या? नहीं, हम 350 का आंकड़ा तो नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि इस देश में स्थिर सरकार, एक मजबूत सरकार बनने जा रही है, इंडिया की सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री की विदाई निश्चित है 4 जून को। केसी जैन जी, खुशी वाली बात है या थोड़ा गम की बात है? क्योंकि अगर देखा जाए तो रतन भाई की बातों में दोनों ही फायदे आपके हैं, मतलब एक फायदा भी और एक नुकसान भी है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि देश में किस तरह आवाज आ रही है मेरी जैन साहब? केसी जैन जी, चलिए शायद अभी आवाज आई नहीं, तो आवाज भी बंद हो गई है, अभी आवाज नहीं आ रही, दोबारा से कोशिश करते हैं। ऐसा मत कहिए रतन भाई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। शोएब रिजवी साहब हमारे साथ बने प्रयागराज से, ज्यादा अपडेट्स के लिए। शोएब, प्रयागराज के हाल दे दीजिए जरा जल्दी से, ताकि अपने मेहमानों से फिर प्रयागराज को लेकर सवाल कर सकें। अभी तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा और प्रयागराज का जो माहौल है वो फिलहाल क्या कह रहा है? धूप बहुत ज्यादा है, तो क्या वोटर्स पर उसका असर पड़ा? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह की राजनीतिक गर्मी इस वक्त प्रयागराज में है, उससे ज्यादा मौसम की गर्मी है, और यही एक बड़ी चुनौती है दोनों पार्टियों के लिए, दोनों जो गठबंधन है उनके लिए, कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स निकाले। अगर एक बजे तक की बात करें कि प्रयागराज में 2 संसदीय सीट है, एक इलाहाबाद संसदीय सीट है, जिस पर इससे पहले, जैसा कि आपने पहले ही बताया, रीता बोमना जोशी जो भाजपा की थी वो जीती थी, उसके अलावा दूसरी सीट फूलपुर की है, जिस पर केसी देवी पटेल भाजपा से जीती थी। लेकिन इस बार भाजपा ने एक तरह से नई पहल की है, दोनों प्रत्याशियों को बदला है, दोनों नए प्रत्याशी हैं। अगर आप इलाहाबाद की बात करें तो वहाँ किसी ना त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को मौका दिया है भाजपा ने, नहीं दूसरी सीट प्रवीण पटेल है फूलपुर से, जो विधायक है उन पर दांव खेला है। तो ये दो
बदलाव भाजपा करके इस बार मैदान में आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस और सपा का जिस तरह से गठबंधन हुआ है तो दोनों सीटों में से एक सीट जो फूलपुर की उस पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, और अगर इलाहाबाद संसदीय सीट की बात करें तो वहां पर रेवती रमन सिंह जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे, कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन बीच में उनकी समाजवादी से कुछ तल्खी और उन्होंने इस तरह से कह सकते हैं कि उनके बेटे ने कांग्रेस का दामन थामा था और इस बार कांग्रेस ने उन पर दाव खेला है। तो चुनाव मैदान में ये दोनों प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से विरासत की भी लड़ाई है, जहाँ केसीनाथ त्रिपाठी जो इस क्षेत्र से कभी विधायक हुआ करते थे शहर त्री के, वो उनके बेटे पर दाव खेला है। वही अगर आप रेती रमन की बात करें तो उनके बेटे पर कांग्रेस से दाव खेला है, लेकिन ये दिलचस्प जरूर होगा कि इस बार जातिगत समीकरण काफी बदला है, क्योंकि अमरनाथ मौर्य जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है मौर्य समाज से आती है, तो ऐसे में दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जो वोटर हैं वो बहुत ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी मंथन चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर सीटों पर जीत हुई थी पिछले साल, तो उनके लिए ये चुनौती है। बिल्कुल केसी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अब? चलिए, कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है शायद, तभी इतनी देर के बाद भी जो है वो आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खैर, की बात करिए शायद किसी दिन जी आवाज आ रही है, आएगी, फोन से बात करेंगे तो आएगी। चलिए, अजय हमारे साथ दिल्ली से बने हुए, रतन भाई आ रहा हूँ आपके पास, और केसी जैन को जोड़ने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। अजय, जरा दिल्ली का मिजाज बता दीजिए, रतन तिवारी भाई बैठे हैं कांग्रेस से और जानना चाह रहे हैं, हालांकि कह रहे हैं उनको जमीन जमीन के हालात पता है, लेकिन फिर भी जरा आप वोटर से बात करके भी सुनवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिल्ली से हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली के लोग खुद बताएंगे कि आगे दिल्ली की जो स्थिति है वो क्या है, क्योंकि राजेंद्र नगर काफी नामरा राहुल चटैया रहे हैं और इस समय कई लोग ऐसे हैं, लेकिन उनका खुद का क्या कहना है उनसे खुद ये पूछेंगे। सर, यहाँ का जो मुद्दा ज्यादा रहा, कभी पानी की बात कर ले या विकास की बात कर ले, सफाई की बात कर ले, क्या रहा? ये सारा काम दिल्ली सरकार का होता है और विधायक का काम, जो स्थानीय विधायक है जो यहाँ से उपचुनाव में जीत कराए थे, दुर्गेश पाठक जो एमसीडी के प्रभारी भी थे, उस व्यक्ति ने इन लोगों को बड़े वादे किए, ये सड़कें देख लीजिए, हम पानी की पाइपलाइनें बाहर निकल रही है, पानी नहीं आ रहा, पानी गंदा आ रहा है, हाथ रिवर लाइन चौक है, बहुत स्थिति बेहतर है, खराब है, मतलब पत्थर है, तो पत्थर कहेंगे वो है यहाँ पे। बिल्कुल देखिए, जो पानी की स्थिति है, कहने खुद उनके जवानी है, लोग खुद कहते हैं कि जो विकास की बात करती है वो नहीं है, और भी लोग हमारे साथ हैं उनसे बात करें, सर सबसे बड़ा मुद्दा होता है क्षेत्र विकास का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो लगातार वही है और इस बार लोकसभा चुनाव है। तो बिल्कुल रतन भाई आप सुन रहे थे, हालांकि आप खुश हो गए होंगे सुनकर जो प्रतिक्रिया वहां से आई है, लेकिन मेरा सवाल सर ये भी था कि दिल्ली में बुद्धिजीवियों का इलाका कहा जाता है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जगह जो लोग रहते हैं वो बुद्धिजीवी नहीं होते, लेकिन दिल्ली दरअसल कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत सर सबसे ज्यादा कम अभी तक देश में दिल्ली में ही देखा गया रतन भाई, इसकी क्या वजह नजर आती है? वही, जिस प्रकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सारे प्रत्याशियों को बदल दिया, मात्र मनोज तिवारी के ऊपर दोबारा दाव लगाया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम है कि प्रत्याशियों ने पिछले 5 वर्षों तक क्षेत्र में काम नहीं किया, जनता से कनेक्टेड नहीं रहे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं उनको बदल दिया गया। मनोज तिवारी के ऊपर इसलिए दाव लगाया गया क्योंकि जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे हिंदी भाषी बिहार के लोग उत्तर भारतीय ज्यादा है, लेकिन कन्हैया कुमार को इंडिया ने उतार कर मनोज तिवारी की मुसीबत को बढ़ा दिया है, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि 7 को 7 सीटों इंडिया अलायंस जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में लालजी वर्मा हमारे इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको पुलिस ने नजरबंद किया, उसकी वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति लगा दी है इस प्रकार जीती जाए, लेकिन जनता इस समय भाजपा के खिलाफ वोट कर रही है, भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरी है,
और एक अच्छी सरकार देना चाहती है, क्योंकि झूठ का पुलिंदा 2014 में देखा गया, 2019 में देखा गया, अब झूठ और झांसा अब नहीं काम आएगा, काम जो करेगा उसे वोट मिलेगा, इंडिया की सरकार बनने जा रही है। ठीक है केसी जैन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अब केसी जैन साहब की आवाज ही नहीं पहुंच पा रही। रतन भाई आज मुश्किल लग रहा है मुझे, ये जो आज रतन जी भाई बैठ जाते हैं तो भाजपा की प्रवक्ता नहीं बोल पाते, या तो आज ही चर्चा जो है वो केसी जैन साहब के साथ आज मुश्किल लग रही है थोड़ी सी। नहीं मिस्टर जी, जब मैं बैठता हूँ तो केसी जैन साहब बोल ही नहीं पाते। अब केसी जैन जी मेरी आवाज आ रही है? फोन थोड़ा पास ले आइए, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि हाँ आप हमें सुन पा रहे हैं। नहीं आपकी आवाज तो मिल रही है। रतन तिवारी जी मुबारक हो। रतन तिवारी जी कह रहे थे जानबूझ के नहीं बोल रहे केसी जैन साहब। फिर आवाज इसलिए आ रही आपको? आ रही सर, आ गई आवाज और मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत देर से कोशिश में लगा हूँ आपकी आवाज सुनने को सर। आपने जब चूंकि रतन तिवारी जी शुरुआत में जब बोल रहे थे, मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि आपने उनकी बात सुनी थी या मैं दोहराकर सवाल करूं? नहीं आप दोहरा दीजिए। मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा था कि दरअसल अभी तक का जो वोटिंग रही है उसमें 300 के आंकड़ा जो है वो छू लिया है, और अब जो ये जो छठा चरण और जो आखिरी चरण आएगा इसमें 350 जो है वो पार हो जाएगा। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आप भी 400 पार जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं हम 400 पार का वादा तो नहीं कर रहे हैं ना दावा कर रहे हैं, लेकिन हम देश में एक मजबूत और स्थिर सरकार देने जा रहे हैं और जीत इंडिया की होगी। तो इन दोनों ही बातों में दरअसल मैंने कहा केसी जैन जी अच्छी चीजों में अच्छी चीजें ढूंढ लेनी चाहिए और बुरी चीजों में बुरी को अलग कर देना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि देश में एक अच्छी और मजबूत सरकार मिलने जा रही है तो मुझे तो नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगी, आप भी यही कहेंगे कि हाँ मिलने जा रही है, बस फर्क इंडिया और एनडीए का आ जाएगा सर। देखिए पहली बात तो ये है कि आपके जो प्रमुख दर्शक हैं आपके माध्यम से निवेदन है कि वोट डालने के लिए जरूर निकले और अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें, साथ ही साथ क्योंकि ये देश का चुनाव है और देश की चाबी आप किसको सौंपना चाहते हैं ये आपका निर्णय है, लेकिन वोट डालने के जरूर। देखिए आपने जो सवाल किया तो कोई भी राजनीतिक दल क्योंकि चुनाव में है और रतन जी तो पूरे देश में चुनाव। चलिए एक सेकंड आपको रोकना चाहते हैं, ये इस वक्त मतदान की टैली दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें श्रावस्ती में 1 बजे तक के मतदान 36.74% हुए, सुल्तानपुर में 38% से ज्यादा, इलाहाबाद में 34.06%, अंबेडकर नगर में 41.5% मतदान हुआ। वही झारखंड की बात करें तो झारखंड में धनबाद में 39% से ज्यादा, गिडी में 45% से ज्यादा, जमशेदपुर में 43.44% से ज्यादा मतदान हुआ है और रांची में 41.83% मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों की बात करें तो भदोही, डुमरियागंज, जौनपुर, लालगंज है, और जहां पर एक एक करके अगर हम बात करें तो वोटिंग प्रतिशत आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 1 बजे तक का ही मतदान है उत्तर प्रदेश और झारखंड का, जो मछली शहर, फूलपुर, प्रतापगढ़, संत कबीरनगर, धनबाद, झारखंड की सीटें गिरिडीह, जमशेदपुर, रांची, क्योंकि झारखंड की 4 सीटों पर ही जो है वो वोटिंग है। तो ऐसे में लगातार पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।